A very good evening to all the students. In the last lecture, we have already started a new unit, that is ecology unit, that can that includes four chapters. Last one chapter, that is in these last chapters, we have started from organism and population. So, जो कल डिस्कशन में हुआ था वो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, उसके बाद आज नया नई चीज स्टार्ट करते हैं. साक्षी एंड यश दोनों प्लीज रेगुलर रहो मेरी क्लास में. रेगुलर एक दिन भी आपने मिस किया ना तो आपको थोड़ा कवर अप करने में, बैकअप करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हर दिन नहीं होता है ना कि मैं अगर मैं आज यहाँ पे रिपीट भी करती हूँ, रिमाइंड भी करती हूँ, तो फ्यू मिनट्स, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स करूँगी, एज ए ओवरव्यू करूँगी. पूरी क्लास जो डेढ़ घंटे की क्लास है उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, बहुत सारा कंटेंट आपका मिस होता है. और आप इतने इतने आप पोलाइट हो, इतने आप समझदार हो नहीं कि जो यहाँ मिस कर रहे हो वो घर पे आप पढ़ रहे हो, मुझे लगता नहीं. क्योंकि घर पे पढ़ते तो शायद आपका जो इस टेस्ट का रिजल्ट कुछ ज़्यादा अच्छा होता था, एक्सपेक्टेड होता था. ठीक है, तो प्लीज़ आप दोनों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो टाइम चल रहा है जिसमें आपकी स्कूल नहीं चल रही है उसको आप थोड़ा सा यूटिलाइज कर लो. स्कूल चलते के साथ में बर्डन आ जाएगा, स्कूल वाले अपना काम खत्म करने के चक्कर में फिर कोचिंग वाले सोचेंगे एग्जाम नज़दीक आ रहा है, ये अपना बर्डन करेंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा खोज-पोज हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे कि हमें पढ़ना क्या चाहिए, जब पढ़ने का टाइम था हम नहीं पढ़े थे. समझ रहे हो, मैं पर्टिकुलरली आप दोनों बच्चों के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस जो भी बच्चा ये वीडियो देखेगा सबके लिए है कि अभी जो टाइम चल रहा है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम फॉर योर स्टडी. आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो अभी के टाइम पे. कंसेप्चुअल होना ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए. ठीक है, तो लास्ट अपन ने इकोलॉजी स्टार्ट की थी, तो मैं इस चारों चैप्टर को कंबाइंड तरीके से हमेशा इकोलॉजी बुलाऊंगी, मैं अलग अलग नहीं बोलूंगी. दैट इज 13 नंबर चैप्टर. ओके, सो इकोलॉजी वर्ड मतलब ऑयकोस एंड लोगोस. लोगोस मतलब टू स्टडी, ऑयकोस मतलब हाउस या फिर ड्वेलिंग. ठीक है, तो इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we can study of interaction and interrelationship between organisms and their environment. So, ab their environment, organism means me and their environment means pura biotic and abiotic environment. ठीक है, तो यहाँ पे बात सारी होने वाली है, यहाँ पे बात इंडिविजुअल की भी होने वाली है, तो यहाँ पे बात पैरेलली एबायोटिक फैक्टर जो मुझे रिलेट कर रहे हैं, जो मुझे अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी भी बात होने वाली है. अब मुझे मैं किसको ले रही हूँ, कंप्लीट लिविंग बींग्स को ले रही हूँ यहाँ पे. नॉट ओनली मी, नॉट ओनली यू, लिविंग बींग्स, सारे मेमल्स, सारे जो अपना लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबको ले रही हूँ मैं यहाँ पे. फाइन, चलो तो अब अपनी बात आती है कि इकोलॉजी के साइमल्टेनियसली इक्विवेलेंट दो टर्मिनोलॉजी बताई थी, नाम बताना यश, आप बताना, एक तो इकोलॉजी दूसरी देख के बताओ. इकोलॉजी टर्म्स आयुषी, ठीक है बेटा, बस वही तो बोलती हूँ मैं कि आपको देख के भी पता नहीं है कि कहाँ लिखा हुआ है. इट मीन्स आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो घर जाके. समझो इस चीज को कि आप जिस रेस में हो उस रेस में सिर्फ आप तीन बच्चे नहीं हो, आप तीन बच्चे बिल्कुल नहीं हो उस रेस में. और अगर अपने आप को उन तीन बच्चों में लेते हो तो बहुत बड़ी मूर्खता लेके बैठे हो आप. आप पे ट्वेल्थ बोर्ड का बर्डन नहीं है, आप पे नीट एग्जाम का है. अभी कल रिजल्ट आया नीट का, आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? नहीं ना, मेरे को भी लगा ऐसे अफवाही आई थी, वरना बच्चों का काफ़ी सारा फोन आ जाता मेरे पास. तो ना ऐसे मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो नीट शायद ऑफिशियल आंसर की आई है ना. हाँ, कितनी आई है? नहीं, कट ऑफ तो एग्जाम रिजल्ट के साथ ही पता चलेगी, पहले नहीं आती कट ऑफ. हाँ, ऑफिशियल आंसर की आई होगी, लेकिन खूब ज्यादा हो रहा था मुहल्ला. चलो कोई बात नहीं. सो हाँ, दो टर्मिनोलॉजी क्या बोली,
इकोलॉजी और हेक्सोलॉजी, ठीक है। अब सिर्फ यश आंसर देगा व्हाट इज द बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ इकोलॉजी हायरार्की, ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल, देन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड पॉपुलेशन, एंड नेक्स्ट पॉपुलेशन के आगे कम्युनिटी, एग्जैक्टली, देन इकोसिस्टम, देन बायो, सॉरी इकोसिस्टम, देन लैंडस्केप, देन बायोम, देन बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये हमें हायरार्की याद रहनी चाहिए, और टिप्स जैसे हमें टैक्सोनॉमी हायरार्की याद रहती है, किंगडम, फाइलम, फैमिली ऑर्डर, ये सब याद रहता है वैसे, फाइन। चलो उसके बाद हमारा टॉपिक जो था वो ये था कि मैंने एक अर्थ की स्ट्रक्चर बना के, ग्लोब पे अर्थ बना के दिखाया था आपको, और मैंने बताया था कि कौन सा रीजन कहाँ एग्जिस्ट करता है, ट्रॉपिकल कहाँ होता है, ट्रॉपिकल के बाद सब ट्रॉपिकल, देन टेम्परेट, देन पोलर, पोलर रीजन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, वहाँ की वेजिटेशन में, वहाँ के हैबिटेट में, वेजिटेशन में, क्लाइमेट में, सब में डिफरेंस होगा, वो ही डिफरेंस होगा जो हमें राजस्थान में सर्वाइव करने के लिए मजबूर करेगा, और वहाँ के जीव जंतुओं को, वहाँ के एनिमल्स को वहीं पे रेस्ट्रिक्ट रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, फाइन। अब थोड़ा सा यश बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, एग्जैक्टली, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेदर और लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्लाइमेट, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अब हम आज जो शुरू करेंगे वो मैं ना साथ के साथ एनसीईआरटी भी आपको दिखाते जाऊंगी, तो आप रिलेट करते जाना। मैंने जो अभी तक आपको, अभी तक जो मैंने बताया ना इकोलॉजी, हाँ इकोलॉजी टर्म वॉज गिवन बाय एंसेकल, फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी। चलो ये बच्ची पढ़ के कल आई नहीं थी क्लास में मेरे, लेकिन फिर भी इसने नोट्स कंप्लीट बनाया है और इसने पढ़ाई की है, दैट इज रियली रियली वेरी अप्रिशिएबल परफॉर्मेंस, फाइन। अब मैं यहाँ जो अपना चैप्टर शुरू होता है, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, ये कुछ भी नहीं है, बस एक भूमिका तैयार की है कि हमें ये चैप्टर पढ़ने के लिए कैसे ज़रूरत पड़ी हमें, लेकिन ये भूमिका भी आप लोगों को समझ में आने वाली बात नहीं है तो उसको स्किप कर देना, फाइन, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, दैट इज इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद फोर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इज ऑर्गेनिज्म, सेकेंड पॉपुलेशन, थर्ड बायो कम्युनिटी, फोर्थ इज बायो, और मैंने एक कंप्लीट आपको हायरार्की बता दी, तो कोई नहीं, बस अब इसके बाद आती है यहाँ पे, देखो इसके बाद यहाँ आता है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, इसके बाद ये वाला जो है यहाँ पे चार्ट पे जो बना हुआ है, यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है 2013 और 2015, ग्राफ आया था, ग्राफ के अंदर जैसे यहाँ पे छः, एक दो तीन चार पाँच छः रीजन बना रखे हैं ना, छः रीजन की वो जगह वो उन्होंने चार रीजन बना के छोड़ दिए, और ये बोला कि जो 1, 2, 3, 4 नेमिंग दे दी उस रीजन को, नंबर 3 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, याद रखना हमेशा एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम जो आपको एकदम लगे बकवास लगे ना डायग्राम, ये क्या आएगा वो भी देख के जाना, एनसीईआरटी के डायग्राम यू के यू छपे हुए मिलते हैं, ठीक है। तो आज ये डायग्राम डिस्कस करते हैं, इस डायग्राम में एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, तो मैं बना देती हूँ, ये एक्स एक्सिस है इसमें और ये वाई, वाई में इन्होंने लिया है डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर, हाँ, और टेम्परेचर और जो एक्स एक्सिस में लिया है इन्होंने क्या लिया है, प्रेसिपिटेशन। अब कोई बता सकता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेन एंड प्रेसिपिटेशन, बारिश और प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन को आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, रेन इज नॉर्मल रेन जो आती है,
and precipitation includes rain and snowfall. स्नोफॉल और रेन दोनों को मिला के होता है प्रेसिपिटेशन. अब स्नोफॉल होगा तो अल्टीमेटली वो पिघल के पानी ही देगा, बारिश भी पानी ही देगी, तो दोनों को मिला के. अब यहाँ पर प्रेसिपिटेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन में कभी रेन नहीं होती है, वहाँ हमेशा स्नोफॉल होती है. तो लेकिन वो पानी तो है, पानी कंटेंट तो है वो, तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं. जब हम रीजन्स में डिवाइड कर ही रहे हैं तो ये बहुत बड़ा फैक्टर, हम कैसे छोड़ सकते हैं. ठीक है, इसलिए मैंने जानने की कोशिश की कि आपको पता है कि नहीं. कोई बात नहीं पता है तो आगे से याद रखना, प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स स्नोफॉल एंड रेन इज नॉर्मल रेन. फाइन, तो यहाँ पे इन्होंने जो एक्स एक्सिस पे लिया है वो लिया है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन. मतलब मीन एनुअल समझ रहे हो, साल भर का जितना प्रेसिपिटेशन हुआ है, चाहे वो 200 सेंटीमीटर हुआ हो, 400 सेंटीमीटर हुआ हो, 25 सेंटीमीटर हो, इनकी एक पूरी मीन वैल्यू निकाल लेना. ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन. अब यहां से देखो, कोई भी ग्राफ की शुरुआत हमेशा मिड पॉइंट जो होती है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ओरिजिन से होती है, तो वो जीरो से होती है. जीरो से आप इधर जाओ चाहे जीरो से आप उधर जाओ. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जीरो से आने की कोशिश करें तो जीरो से यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे अगर एनुअली बात की गई है तो अपन जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है वही वाला गैप लेंगे. इसमें ले रखा है 50 का. बताना चाहती हूँ, वाई एक्सिस पे इन्होंने दिया है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर. अब मैं टेम्परेचर ग्राफ का नॉर्मली टेम्परेचर जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, मीन्स अगर यहाँ पे हमने जीरो से लिया है तो यहाँ पे भी ऊपरी जीरो से होना चाहिए. लेकिन दिमाग लगाओ, अगर मैंने कल जो चीज़ें बताई थी आपको ध्यान में है तो आर्कटिक और एंटार्कटिका का तो टेम्परेचर ही हमेशा माइनस में होता है, जीरो से नीचे होता है. तो यहाँ पे जीरो से लिखना सही होगा या माइनस से शुरू करें? माइनस से शुरू करो, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, माइनस से शुरू करते हैं. माइनस 15 डिग्री से शुरू करते हैं. माइनस 15, माइनस 10, फिर जीरो, फिर कितना है 25 का होगा शायद, 5 कह दीजिए, 5 बताती हूँ मैं आपको, जैसे मैंने भी कर रही थी मेरे जमाने में. ये ग्राफ कभी समझ में नहीं आता था, ऐसा लगता था हाँ ट्रॉपिकल में बारिश ज्यादा होती है तो ट्रॉपिकल को छाता बना दिया, उसके बाद में ये जो कोनीफर्स होते हैं अपने टेम्परेट में, तो कोनीफर्स मतलब नुकीला है, तो देखो नुकीला बना दिया. वहाँ नुकीला बनाते ही नहीं, वहाँ नुकीला नहीं बनते, ये तो बना दिया, यहाँ भी नहीं बनाऊंगी मैं तो फिर कैसे याद करेंगी? तो ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ग्राफ बनाने का मेथड क्या था, बेस क्या था ग्राफ बनाने का. हमेशा एक बेस पे ही बनता है ग्राफ. ठीक है, अब अपनी शुरुआत करते हैं. अपन ने पांच रीजन पढ़े थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ा था, सब ट्रॉपिकल पढ़ा था, टेम्परेट पढ़ा था, और पोलर में आर्कटिक अंटार्कटिक पढ़ा था. लेकिन यहाँ पे दो और इंक्लूड करे गए हैं, दैट इज ग्रासलैंड और डेजर्ट. ठीक है, तो अपन पहला अपना शुरुआत करते हैं ट्रॉपिकल से. ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा बारिश थी, मैंने बताया था सबसे ज्यादा बारिश थी, और ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा समर्स थी. समर्स मतलब टेम्परेचर ज्यादा, बारिश मतलब प्रेसिपिटेशन ज्यादा. जितने भी रीजन मैंने बताए थे उनमें सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल में थी ये दोनों चीजें. तो मैं कैसे इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँ कि बारिश भी प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा हो तो फिर टेम्परेचर भी ज्यादा हो, तो मेरे को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए? देखो, बारिश ज्यादा हो मतलब इधर बनाओ
और टेम्परेचर ज्यादा हो तो ऊपर बनाऊ, तो मतलब मुझे यहाँ बनाना चाहिए, बारिश वाले जोन में घर आ जाएगा, टेम्परेचर वाले जोन में ऊपर आ जाएगा, हाँ कि ना? यस हाँ कि ना? चलो ये मेरा ट्रॉपिकल बन गया, समझ में आया? ट्रॉपिकल, चलो ट्रॉपिकल के बाद यहाँ पे आता है सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल को बनाने की जरूरत नहीं है, सब ट्रॉपिकल हम जानते हैं ट्रॉपिकल से ही मर्ज्ड होता है सब ट्रॉपिकल, तभी नाम है इसका सब ट्रॉपिकल, तो वो इसी के अंदर है, लेकिन उसके अंदर रेनफॉल थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये थोड़ा अंदर बन जाएगा वो, फाइन रेनफॉल भी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर सब ट्रॉपिकल से लिंक्ड ही कौन सा होता है? टेम्परेट। तो टेम्परेट में क्या बनाऊँ मैं? टेम्परेट में बनाऊंगी जैसे ग्लोब अर्थ पे मैंने बताया था इक्वेटर से 20 डिग्री क्या था? ट्रॉपिकल था। फिर 20 से 40 डिग्री क्या था? सब ट्रॉपिकल था। फिर 40 से 60 डिग्री जो था वो टेम्परेट था। इसका मतलब मुझे एग्जैक्टली इसका मतलब मुझे उसको ट्रॉपिकल से कम तो टेम्परेचर पे बनाना है और ट्रॉपिकल से कम ही मुझे प्रेसिपिटेशन पे बनाना है, ठीक है। तो टेम्परेट बनाते हैं अपन। मैं इसी से ये ना ऐसा नहीं है कि ना ट्रॉपिकल उधर है फिर टेम्परेट इधर है, नहीं, एक ऐसा जोन होता है जहां पे ये दोनों मर्ज भी करते हैं, समझ रहे हो? जैसे आपने कभी फील किया होगा, हाँ, यहाँ से अपन जयपुर जाते हैं अपनी गाड़ी में जाते हैं, तो कई बार देखा होगा कि एक हाईवे क्रॉस करते ही, गेंगल वाला हाईवे क्रॉस करते ही वहाँ बारिश आती है, लेकिन उसके उससे जैसे ही अपन अंदर आ जाते हैं किशन है ना, तो बारिश नहीं होती है, इवन एक ड्रॉप भी नहीं होती है। हाँ, तो वो रीज़न जो है गेंगल वाला रीज़न, वो अजमेर को जयपुर से जोड़ रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जयपुर सिर्फ जयपुर, जहाँ जयपुर की बाउंड्री खत्म हो रही है वहीं पे खत्म हो गई बारिश, अजमेर में बिल्कुल नहीं है। एक कनेक्टिव लिंक जो है, कनेक्टिव जो जोड़ रहा है, उस पे दोनों ही क्लाइमेट का असर पड़ेगा, दोनों में जो मौसम का चेंजेस हो रहा है उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि एक बना के छोड़ दिया दूसरा उससे लिंक नहीं हो, एक दूसरे से लिंक होते हैं सारे, ठीक है। तो टेम्परेट में यहाँ बनाऊ, देखो टेम्परेट में यहाँ बना दू, ये है मेरा टेम्परेट। टेम्परेट में प्रेसिपिटेशन कम हो गया, यहाँ जहाँ प्रेसिपिटेशन 450 था वहाँ 350 हो गया, और यहाँ पे टेम्परेचर जहाँ 30 डिग्री था वहाँ पे टेम्परेचर हो गया 15 से 20 डिग्री, फाइन। तो मैं इसको लिख दूँ टेम्परेट। चलो अब टेम्परेट के बाद में हमें जो पढ़ना होगा वो हमें पढ़ना होगा कौन सा लूप, कॉनिफरस दे देती हूँ। कोनीफरस होता है, कोनीफरस वो होते हैं जो टेम्परेट जैसे होते हैं, लेकिन कोनीफरस आपको पता होना चाहिए जिनकी लीफ कोनिकल होती है, जिनकी लीफ, वो आपको कोनिकल लीफ कहाँ देखने को मिलती है? हमेशा आपको कोनिकल लीफ मिलती है हिल्स पे, हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, सिक्किम हुआ, मणिपुर हुआ, ये जो हिल स्टेशन होते हैं ना वहाँ पर मिलते हैं कोनीफरस। तो हिल स्टेशन पर भी आपको पता है सर्दी ज़्यादा होती है, पता है ना आपको, तो सर्दी ज्यादा होती है तो वो नीचे बनेगा हाँ, और वहां पे प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होती है, पता है ना उधर की साइड कितनी हरियाली होती है, क्यों होती है? क्योंकि वहां पे स्नोफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, वहां पे बारिश होती है ऑल टाइम, मतलब वेदर ऐसा लगता है सुहाना। तभी तो हम लोग यहाँ से परेशान होते हैं, हर तीसरे चौथे दिन छुट्टी मनाने जाते हैं वहां पे, क्या है ऐसा? वहां पे खाना पीना अच्छा नहीं है, बस वहां का वेदर है जो हमेशा अट्रैक्ट करता है। हाँ, तो मैं यहाँ पे टेम्परेट से ही लगता हुआ कोनिफरस बनाऊंगी। अब कोनिफरस को मैं ऐसा नुकीला इसलिए बना रही हूँ कि याद रह जाए, लेकिन एग्जाम में नुकीला बने ये जरूरी नहीं है। कोनिफर, फाइन। अब नेक्स्ट जो है वो है अपना आर्कटिक और अंटार्कटिक। अब आर्कटिक अंटार्कटिक का तुम तीनों मिलके बताओ कहाँ बनाओ? कॉनिफर से मर्ज होता हुआ नीचे बनाओ, क्यों बनाओ नीचे? यस बताओ, सबसे कम टेम्परेचर होता है, इवन माइनस में होता है। हाँ,
रेनफॉल भी कम होता है क्योंकि प्रेसिपिटेशन होता है, लेकिन आपको हमेशा पता होगा सॉरी स्नोफॉल होता है वहाँ पे आपके इलाके में, लेकिन बारिश नहीं होती। अब आप देखो, एक तो एक घंटे बारिश होना और एक घंटे स्नोफॉल होना, तो किससे पानी ज़्यादा आएगा? बारिश से ज़्यादा पानी आएगा। स्नो को तो पिघलना पड़ेगा, हीट लेनी पड़ेगी उसको बाहर से, लेकिन जितना पानी एक घंटे बारिश बरस के देगा उतना पानी नहीं देगा। हाँ, लेकिन वो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर में हमेशा ग्रो करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मैं बना दूँ आर्कटिक अंटार्कटिक, ये मैंने आर्कटिक अंटार्कटिक बना दिया। अब आती है अपनी बहुत इम्पोर्टेंट डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में बताओ कि डेजर्ट का राजस्थान के वो सब लोग तो डेजर्ट की तो बताने की जरूरत नहीं है, वो खासियत। हाँ, तो कहाँ बनना चाहिए? ऊपर तो बनना चाहिए, रेन भी कम होगी और टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा, दिखकर टेम्परेचर हाई एंड रेन कम, रेन का इतना सा स्लोप होगा उसमें, तो ये होगा आपका डेजर्ट। हाँ, लेकिन आपको पता है एक चीज वो बताना कि आपको पता है कि क्या डेजर्ट वही होता है जिसमें टेम्परेचर हाई होता है? कोल्ड डेजर्ट भी होता है। कोल्ड डेजर्ट को नाम बताना सर, कोल्ड डेजर्ट को दो वॉटर और दो कोल्ड के नाम बताना जरा। सहारा डेजर्ट, दैट इज द बिगेस्ट डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट, और थार। थार इज द इंडियाज लार्जेस्ट डेजर्ट। दोनों हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल है। एंड कोल्ड के एग्जाम्पल बताना, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख नहीं, सिर्फ लेह। लेह जो है ना वो कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है अपने इंडिया का। और एक है जो इंडिया का नहीं है, गोबी, जी ओ बी आई। दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट। लिख लो दो हॉट डेजर्ट और दो कोल्ड डेजर्ट्स। हॉट में सहारा एंड थार, एंड कोल्ड में गोबी एंड लेह। ठीक, चलो अब लास्ट इतना जो बचता है वो बचता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड होता है जो घास वाला एरिया। घास वाला एरिया बेटा, घास वाले एरिया को अपन किसी चीज़ के लिए बाउंडेड नहीं कर सकते कि घास वही होगी जहाँ पे बहुत बारिश हो। नहीं, घास राजस्थान में भी होती है, बहुत बारिश नहीं होती है। तो किसी भी चीज़ के लिए घास वही हो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है? नहीं, घास अपने सिक्किम में भी बहुत होती है, टेम्परेचर कम होता है। उत्तराखंड में भी बहुत होती है। तो हम ग्रासलैंड को कभी बाउंडेड नहीं कर सकते किसी भी फिनोमिनन के साथ में। तो हमें ग्रासलैंड को हमेशा इन तीनों से टच करते हुए एक सरफेस दिखानी पड़ेगी। इन तीनों से टच करके सरफेस दिखानी पड़ेगी दो है, जो है ग्रासलैंड। ऐसा समझ में ऑब्वियसली डेजर्ट का तो पता है, डेजर्ट में तो घास नहीं होती है, तो डेजर्ट में तो हम छोड़ देंगे। ना ही आर्कटिक और अंटार्कटिक में होती है, वहाँ सिर्फ स्नोफॉल होते हैं, लेकिन इन तीनों में तो होती है घास, होती है ना। चलो अब ये वाला जो मैंने बनाया ग्राफ, ये जिसके भी नहीं समझ में आया है एक बार वापस पूछ लो। आ गया यश? आ गया आपको? कल पूछूंगी, बहुत इजी लगेगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि इजी वे में सब कुछ पढ़ते चले, बड़ी बड़ी चीज़ें इतनी इजीली पढ़ ले कि एग्जाम में आए तो लगे अच्छा हमें तो इतनी इजी चीज़ें पढ़ाई भी नहीं थी, हमें पता ही नहीं चला। ठीक है ना, किसी चीज़ का बर्डन लेकिन नहीं पढ़ो, फ्री माइंड होके पढ़ो। आता है पहले से पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो हम यहाँ बैठे हैं पता करने के लिए। यहाँ पे इस चीज़ की अहमियत नहीं है कि तुम्हें कितना आता है, पिछले बैकग्राउंड में कितना आता है। यहाँ इस चीज़ की अहमियत है कि पर डे पर क्लास में यहाँ आके कितना सीख के जा रहे हो, उसके बाद कितना आता है। फाइन, तो इस चीज़ से कभी एम्बेरेस होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे 70% है, मेरे 60% है, मैं बाकी के बच्चों से कमज़ोर हूँ, बाकी के बच्चे 90% से ऊपर वाले बैठे हैं। नहीं,
जब तक वो डॉक्टर का टैग नहीं ले लेता, यू ऑल आर ऑन दिस सेम पेज, एक ही नाव पे सवार हो तुम, कोई बड़ा कोई छोटा कुछ नहीं है। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ कि हम जिस रेस में हैं उसमें गधे भी हैं घोड़े भी हैं, ठीक है, लेकिन हमें गधों को पीछे करके घोड़े बनके आगे निकलना है, बस चलो मिटा दो उसको। चलो अब अपना जो नया टॉपिक है वो है अपन, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है तुम लोगों को, ये पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। इसके बाद आता है कि जो मेजर एबायोटिक फैक्टर है। अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में बायोटिक एबायोटिक दोनों कॉम्पोनेंट होते हैं। तो आज के लेक्चर में अगर एबायोटिक कंपोनेंट कर लेते हैं, कल के लेक्चर में बायोटिक कर लेंगे, तो अपना दो दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेजर एबायोटिक कंपोनेंट्स फैक्टर्स, क्या होना चाहिए? इतनी बात हुई, इतना सब कुछ हुआ, तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहला एबायोटिक फैक्टर क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए, देन टेम्परेचर, सबसे बड़ा जो फैक्टर ना बच्चा, फर्स्ट टेम्परेचर होता है, उसके बाद वाटर होता है, और तीसरा क्या होना चाहिए? दिमाग लगाओ बस, एकदम फ्रेंडली, लाइट, सनलाइट के बिना तो सब कुछ अधूरा है। चौथा क्या होना चाहिए? लैंड, जहाँ रह रहे सोइल। इन चार बड़े बड़े, यहाँ पे मेजर पहले लिख दिया है, बड़े कंपोनेंट के अलावा पांचों कोई कंपोनेंट नहीं है ऐसा, यही है चार जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फाइन, तो सबसे पहला कौन सा बताया मैंने? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कल देके गई थी, जो सारा इसमें लिखना है वो बताओ मुझे, कि कल मैंने चार टर्म्स बताई थी अलग 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 अलग, बोलो पहले यश बताएगा दो, फिर आयुष बताएगी दो। टेम्परेचर के हिसाब से एक वाइड रेंज और एक शॉर्टर नैरो रेंज को बियर कर जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? देख के बताओ फटाफट। मैंने उसकी रेंज के हिसाब से बताया बच्चा, रेंज के हिसाब से। नेक्स्ट वाला यूरी एंड स्टेनो, यूरी थर्मी एंड स्टेनो थर्मी, वापस लिखो नहीं याद है तो। यूरी थर्मा एंड स्टेनो थर्मी, यूरी क्या था? हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज, हाँ, और ये नैरो रेंज। आपकी इच्छा, लिख रखा है रहने दो, मैं तो लिख रही हूँ कि एक साथ में कंसाइज हो जाए, ठीक है हाँ। अब उसके बाद में मैंने और बताई थी, और एक टर्म और बताई थी, होमोथर्मिक एंड, हाँ, पोइक्रोथर्मिक। तो होमोथर्मिक क्या होता है? इनको वार्म ब्लडेड भी बोलते हैं और इनको एंडोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक मतलब कि बाहर कितना भी टेम्परेचर वेरिएशन हो, इंटरनली भी अपने आप में सेल्फ रेगुलेट करने में सक्षम होते हैं, ठीक है, दे आर केपेबल टू रेगुलेट देयर इंटरनल टेम्परेचर, फाइन। और इसके अपोजिटली क्या होगा? पोइक्रोथर्मिक होगा, पोइक्रोथर्मिक। अब होगा होमोथर्मिक का एग्जाम्पल यश, हाँ, मैमल्स, हाँ, बर्ड्स, बस। और कोई किलो का एम्फीबियंस, फिश, ठीक है, चलो। 99% प्लांट्स जो होते हैं वो स्टीनोथर्मिक होते हैं। स्टीनो मतलब दे कैन टॉलरेट ओनली नेरो रेंज ऑफ टेम्परेचर।
फाइन। अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये जो मैंने अभी क्लासेस बताई थी आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, इनको भी एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है। तो उसमें फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है मेगाथर्म। मेगाथर्म आप बताओ किसको बोलते होंगे? मेगा मतलब सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन होता है? ट्रॉपिकल होता है। ट्रॉपिकल होता है जो हायर रेंज को बियर करके बैठता है, ठीक है? तो ये होता है ट्रॉपिकल। ये बेटा पूछ ली जाती है टर्म्स, इसलिए लिखा रही हूँ, आपके एनसीईआरटी में नहीं है ट्रॉपिकल। फिर आता है मीजोथर्म। मेगा मीजो से थोड़ा सा, मीजो मेगा से थोड़ा सा कम होता है, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल। उसके बाद आता है अपना माइक्रोथर्म एंड टेकिस्ट्रोथर्म। माइक्रोथर्म, माइक्रोथर्म इससे कम होता है तो टेम्परेट हो जाएगा। एंड टेकिस्ट्रोथर्म, टेकिस्ट्रोथर्म आर्कटिक एंटार्कटिक, ठीक है? लेकिन ये मैंने आर्कटिक एंटार्कटिक को बताई थी, मैंने आपको ग्लोब को बताया था, मैंने पोल्स को बताया था। लेकिन अगर उन्हीं को अपन लैंड पे बताएं, उसी एनवायरनमेंट को हम लैंड पे बताएं, तो उनको टुंड्रा बोलेंगे। टुंड्रा होती थी ना एक ही चीज़ है, लेकिन वो मैंने ग्लोब पे बताया था। आर्कटिक रीजन, एंटार्कटिक रीजन ही एक तरह से आइसलैंड टाइप हो गया, महाद्वीप टाइप हो गया, ठीक है? लेकिन हम उसको लैंड में बताएं तो उसको हम टुंड्रा बोलेंगे। आई बात समझ में? चलो अब उसके बाद में आता है कि टेम्परेचर। ये तो हुआ रीजंस, रीजन वाइज नाम नेमिंग हो गया। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चीज जो पूछ ली जाती है कि थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ए लेक। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ए लेक, लेक समझते हो? झील जैसे आना सागर है, लेक ही है एक तरीके की, ठीक है? इसमें इसपे जो आना सागर को ही ले देते हैं कि अपन को दिखती है बाहर से है यार पानी पानी है, ठीक है? बस अपन इतना ही जानते हैं कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जस्ट लाइक फिश हुआ और भी बहुत सारे हैं जो एक दूसरे से डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि उनको बाहर से सिर्फ दाना मिलता है, लेकिन वो और भी तो उनकी बहुत सारी चीज़ें होती, रिक्वायरमेंट होती होगी, जो आपूर्ति होती होगी, तो वो एक दूसरे को खाके होती है। तो इस बेसिस पे जो लेक होता है उसको बना देते हैं, ये अपना लेक है, ठीक है? इस लेक में जो अपर पार्ट है ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं, देखो मैं लेक बना देती हूँ, इसको बोलते हैं एपिलिनियोन। यस, एपिलिनियोन फिर दूसरा है मेटालिनियोन। तीसरा है हाइपोलिग्नियोन। इस तरह से इसको तीन पार्ट में बांटा जाता है। अब एक बात बताना कि अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है किसी लेक के अंदर, सर्वाइविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको क्या क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए? सबसे बड़ी बात जो मैं धुआं फिरा के पूछना चाहती थी, जो आपने सबसे पहले आंसर दे दिया, ठीक है? ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि पानी उनको मिल रहा है, पानी के थ्रू उनको कंज्यूमर्स, उनको खाने की चीज़ें भी मिल रही है, चाहे वो किसी भी सोर्स से मिले,
उनके अलग उनकी फूड चेन है, ठीक है, किसको कौन खाएगा, किसको कौन खाएगा, फिर बड़े छोटे, बड़ा छोटे को खा जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन उनको बेसिकली एनवायरमेंट से जो चाहिए वो चाहिए इसको सनलाइट और ऑक्सीजन। सनलाइट भी चाहिए उनको, सनलाइट भी ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है सनलाइट? क्योंकि सनलाइट के बिना वहाँ पे जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंकटन्स है, हाँ, वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। अगर फाइटोप्लैंकटन सर्वाइव नहीं करेंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो फिर जूप्लैंकटन मर जाएंगे। जूप्लैंकटन मर जाएंगे तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, सबको मरना पड़ेगा, ठीक है। तो सनलाइट चाहिए बाहर से, उनको ऑक्सीजन चाहिए बाहर से, और तो सारी चीज़ें उनको अंदर अवेलेबल है। तो एक बात बताना, सनलाइट सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला जोन कौन सा होगा सनलाइट के लिए? एपिलिम्नियन। एपिलिम्नियन में सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम इसमें होगा, और हाइपोलिम्नियन में तो पानी सनलाइट जाएगी ही नहीं, पेनिट्रेट होगा ही नहीं सनलाइट, ठीक है। तो वहां तो हमेशा डार्कनेस ही रहेगी। सबसे ज्यादा उजाला जो सनलाइट है वो यहाँ रहेगा, फिर उससे कम वहाँ रहेगा। अब ये बताओ, सनलाइट यहाँ आ रही है तो यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ होगी? मतलब पानी में घुली हुई ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ होगी? ऊपर ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि सनलाइट मिल रहा है, वेजिटेशन के ऊपर ही है, तो प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे, ऑक्सीजन एलिमिनेट हो रही है, फाइन। तो एपिलियम लिम्नियन वो पार्ट होता है जहाँ पे ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब उससे कम होगी मेटालिम्नियन में, और सबसे नेग्लिजिबल, सबसे जीरो पॉइंट में होगी, दैट इज द पार्ट ऑफ हाइपोलिम्नियन। कल लेक्चर भी इसी में एक्चुअली 12th क्लास की जो आपके नोट्स है ना, उसमें इकोलॉजी पोर्शन में, हाँ, उसका फर्स्ट चैप्टर ये है, ठीक है। तो मैं एससी के नाम से रहा हूँ, हाँ, वो ज़्यादा है, हाँ, वो इनको ज़्यादा पता होता है, वो बहुत सारे मेरी लेक्चर्स, सही है, हाँ। अरे मैं उतरवाती हूँ, तीन बच्चों में क्या मार्क्स होगा। चलो अब आती है अपनी मेटालिम्नियन की बात, हाँ। तो मेटालिम्नियन में मैंने बोला होगी डिजोल्व ऑक्सीजन लेकिन कम होगी, सनलाइट होगी लेकिन कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा, अब एक बताओ, एक होता है प्रोड्यूसर्स और एक होता है कंज्यूमर्स। तो एपिलिम्नियन, हाइपोलिम्नियन और मेटालिम्नियन, इन तीनों में से कौन से पार्ट में प्रोड्यूसर्स ज्यादा होंगे? एपिलिम्नियन में प्रोड्यूसर्स ज्यादा होंगे, और मेटालिम्नियन और एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन में सबसे ज्यादा कौन से वो होंगे कंज्यूमर, सबसे ज्यादा किसमें होंगे? इन दोनों में से भी हाइपो में नहीं होंगे। हाइपो में सबसे बेसल हो गया, सबसे बेसल में जाके हमेशा लाइकेंस हुआ या फिर एल्गी हुआ, जो बहुत ड्रास्टिक सिचुएशंस में रह सकती है, जिनको कोई लाइट नहीं चाहिए, हाँ, वो भी जाके रहेगी नीचे, लेकिन मैक्स ऑफ कंज्यूमर बार्ड वो यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप, मेटालिम्नियन में कंज्यूमर पार्ट ज्यादा होता है और एपिलिम्नियन में प्रोड्यूसर ज्यादा होता है। और मेटालिम्नियन में हम एक तरह से इसका एनवायरमेंट मॉडरेट बच्चा बोल सकते हैं, मॉडरेट मतलब दोनों के बीच का। बस ये जो पॉइंट्स थे, ये टेम्परेचर के रिगार्डिंग थे जो इम्पोर्टेंट थे पॉइंट, जो आगे अपन ने कल डिस्कस कर लिए थे, आगे अभी डिस्कस कर लिए। दूसरा कौन सा बताया मैंने? वॉटर। वॉटर इज सेकेंड रेलेवेंट फैक्टर, फर्स्ट रेलेवेंट वॉज टेम्परेचर, ठीक है। चलो अब अपनी बात आती है वॉटर के लिए। तो वॉटर में जैसे हमने बताया टेम्परेचर के बेसिस पे, विच वन इज ट्रॉपिकल, विच वन इज यूरिथर्मिक और विच वन इज स्टेनो, ये सब टेम्परेचर की ही बात थी। कोई ज़्यादा हाई रेंज बर्दाश्त कर पा रहा था, कोई कम कर पा रहा था, तो टेम्परेचर का एक बेस लिया हमने, ठीक है। वैसे ही पानी के लिए हम क्या बेस ले सकते हैं?
पानी नॉर्मल ये पानी है। अब इसके लिए एग्जैक्टली मेरे को ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए कि जिसको मैं स्टोरी ना बता के सीधे सीधे बात कर सकूँ। ठीक है, मैं भी तुम लोगों को स्टोरी बताती, देखो इसमें मैं क्या डालूँ, यहाँ का पानी में क्या आता है, क्लोराइड ज़्यादा आता है, ये चीज़ें 12th क्लास में करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो बात आती है आपकी अपनी कि इसमें वाटर को पढ़ने के लिए हम एक बेस लेते हैं सैलिनिटी। सैलिनिटी एक बेस लेते हैं वाटर को पढ़ने के लिए, और सैलिनिटी को मेजर किसमें किया जाता है पता आपको? मेजरिंग यूनिट क्या होती है पानी में? एग्जैक्टली पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर थाउजेंड, पीपीटी या फिर पीपीएम। ठीक है, मिलियन में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर पार्ट्स पर थाउजेंड की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पार्ट्स पर थाउजेंड सैलिनिटी के बेसिस पे हम वाटर को तीन क्लासेस में बांट सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास होती है इनलैंड, सेकंड क्लास होती है मरीन, और थर्ड क्लास होती है हाइपर सलाइन लगून। होता ये है, इंग्लैंड का मतलब समझते हो, इंग्लैंड मतलब जो हमें प्रोवाइड हो रहा है, जो हमें पीने के लिए प्रोवाइड हो रहा है। अब तुम लोग बताओ जो पीने के लिए हो रहा है या फिर लेक्स में है या फिर जो हैंडपम्प के थ्रू आ रहा है, बोरिंग के थ्रू आ रहा है, जो एक तरह से पीने योग्य होता है वो इंग्लैंड पानी होता है। ठीक है, इंग्लैंड पानी में सॉलिडिटी ज़्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी, तभी वो पीने लायक अपने लिए। तो कितनी कम होगी? वो होगी लेस देन 5 ppb। ठीक है, और मरीन, मरीन को हम ऐसे समझते हैं समुद्री है, समुद्री में तो ज्यादा ही होती है सैलिनिटी, तो ये होती है 30 से 35। अब हाइपर सलाइन लगून का मतलब समझते हो? बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मतलब समझते हो इसका मतलब क्या होता है? लगून का मतलब क्या होता है? हाइपर सलाइन लगून होता है उसमें ग्रेटर देन 100 ppb होती है, लेकिन जो जैसे कई बार देखते हैं ना अपन की ना सांभर लेक गए हो कभी? राजस्थान में है। कहाँ है सांभर लेक? सांभर लेक जो है वो नाम उसका सांभर लेक है, लेकिन वहां जाओगे ना वहां बताओ क्या मिलेंगे? नगर को नमक के टीले, सैंड्यूल्स मिलेंगे नमक के व्हाइट कलर के। कई बार पता है जो फिल्में होती है ना, फिल्में उनमें ना बजट नहीं होता ना ज़्यादा, जिन फिल्मों का बजट नहीं होता है, हाँ तो जिन लोगों को रोमांटिक सीन दिखाना है, जिनको 2.5-3 मिनट का वो चलता है गाना, तो उसमें उन लोगों को पहाड़ सॉरी स्नोफॉल दिखाना है, बर्फ दिखानी है, उनका बजट नहीं है कि वो जाके ऑस्ट्रेलिया में US में जाके वो शूट कर सके। ठीक है, तो वो लोग पता कहाँ थे शूट करने? किशनगढ़ आते हैं, किशनगढ़ में डंपिंग जोन है, डंपिंग एरिया है। वो जो मूवी ना उसकी आई थी कपिल शर्मा की, किस किस को प्यार करूँ ऐसा कुछ करके ना, उसकी शूटिंग वहीं हुई हुई है, और वो अंदर गई थी वो देखने के लिए। हाँ, तो होता क्या है, मैंने क्यों बताया कि आपको इससे याद रहे कि हाइपर सलाइन लगून्स होते हैं, जैसे सांभर लेक है, लेक है नाम है उसका, लेकिन लेक जैसा कुछ नहीं है। होने को वहाँ लेक थी, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है ना कि जब अब ओबियसली बात है वो राजस्थान में है, तगड़ी धूप पड़ेगी, तगड़ी सनलाइट मिलेगी, तो पानी एवोपोरेट हो जाएगा, पानी एवोपोरेट हो जाएगा तो मोस्ट लास्ट में जाकर सॉल्ट बचेगा, तो हम बोल सकते हैं उसको सॉल्ट लगून बोल सकते हैं उसको, हाइपरसलाइन लगून उनको बोलते हैं। अब आप कभी जैसे हमारा तो मेरा तो क्या एरिया ऑफ स्टडी कोई था, मेरा पार्ट था वो इंटर्नशिप का सांभर लेक का, रामसर कन्वेंशन का, तो मेरा तो एरिया ऑफ स्टडी था, तो मेरे को तो हर हफ्ते जाना पड़ता था वहाँ पे, सैंपल ला के आने पड़ते थे,
स्टडी करनी होती थी, देखना होता था कि कितनी सैलिनिटी है, कितना फ्लोराइड कंटेंट है, वेजिटेशन क्या है, सब कुछ। तो मेरा तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम रहा है, लेकिन बस इतना समझ लो कि हाइपरसैलाइन लगून ये होते हैं कि जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि सनलाइट की वजह से अगर वहाँ का पानी एवेपोरेट हो गया तो वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट ऐसे लगून ऐसे सैंड्यूज दिखने लग जाते हैं। ठीक है, चलो ये होता है क्लासिफिकेशन जो मैंने करा दिया है। अब इसके बेसिस पे भी जैसे हमने यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल लिखा था, तो यूरीथर्मल जो था वो हायर रेंज को बर्दाश्त कर रहा था, तो यहाँ पर दो दो हो जाते हैं टर्मिनोलॉजी, यूरीहैलाइड स्टेनोहैलाइड। समझ रहे हो, यूरीहैलाइड एंड स्टेनोहैलाइड। हाँ, अब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है यूरी और स्टेनो का मतलब क्या होगा, इकोलॉजी में समझ लोगे ना, यूरी का मतलब होता है हायर, स्टेनो का मतलब लोअर, नेरो। ठीक है, अब अपनी बात आती है कि टेम्परेचर के लिए चीज़ें होती हैं, कि टेम्परेचर के लिए आप बताना कि मैंने बताया सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ये सब चीज़ें मैंने बताई आपको। ठीक है, ये क्या, तो ये इसका बेसिस क्या था, बेसिस था इसका इक्वेटर से डिग्रीज, इक्वेटर से डिग्रीज थी। ठीक, तो इनको एक टर्मिनोलॉजी में एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड नहीं बोलते क्या, एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टिकल होती है, लेकिन एल्टीट्यूड को नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एल्टीट्यूड इज हाइट फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से किसी भी पॉइंट की हाइट होती है एल्टीट्यूड। ठीक है, अब लैटिट्यूड की कौन सी होती है, लैटिट्यूड होती है हॉरिजॉन्टल, लेटी हुई, हमेशा याद करना लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई और इसका अपोजिट वर्टिकली दैट इज एल्टीट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड जो है लेटी हुई, तो लेटा हुआ ये अपना इक्वेटर है, ये भी लेटी हुई है, तो ये इक्वेटर से डिस्टेंस हुई, इक्वेटर को हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, तो इनको लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड को बोलते हैं। तो ये दो जो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड है इसी के बेसिस पे तो ये सारा डिफ्रेंसिएशन किया था हमने टेम्परेचर का, ये लैटिट्यूड था, फिर ये डिग्री नहीं जा रहा था 20, फिर 40, फिर ये जो पोल पे 90। हाँ, और देखा जाए तो ये जो पोल पे 90 हुआ ये पूरा सी लेवल से एल्टीट्यूड हुआ ना, तो ये ही एक तरह से बेस था टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो टेम्परेचर वाले पोर्शन पे जाके साइड में ना छोटा सा स्टार मार्क करके लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, जो ग्लोब बनाया था मैंने, ग्लोब। अब जैसे टेम्परेचर की बात की हमने, वैसे ही वाटर वाटर के रिगार्डिंग बता सकते हो, वाटर में कहाँ डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, वाटर में आएगा, सोचो कहाँ डिफ्रेंसिएशन आ जाता है वाटर में, वाटर में आ जाता है, जैसे यहाँ का बोलते हैं ना यार, यहाँ का पानी पीने के लिए अच्छा है, सॉल्ट तो है, सो है सॉल्ट किसको अफेक्ट करता है, कंपोजिशन, वाटर के केमिकल कंपोजिशन को अफेक्ट करेगा सॉल्ट। दूसरा पीएच स्केल, कौन सा एसिडिक वाटर है, कौन सा बेसिक है, थोड़ा सा कौन सा, जैसे यहाँ से अजमेर का पानी तो फिर भी अच्छा है, लेकिन जयपुर का पानी जाते थोड़ा सा खरास देने लगता है। हाँ, और उधर शेखावटी रीजन का सीकर साइड का, वहाँ तो और भी खारा लगता है पानी, और वहाँ के लोगों को यहाँ का खारा लगता है, होता है ना कि हर जगह का पानी नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो ये होता है, तो दो बेसिस होते हैं, एक होता है पीएच और दूसरा होता है केमिकल कंपोजिशन। दो अपने बड़े बड़े पढ़िए,
दैट इज टेम्परेचर, सेकेंड वॉटर. तीसरा क्या था? लाइट. फिर चौथा था सॉइल. मैंने प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग लिखा है. वैसे ये सिर्फ अगर प्लांट के प्रोस्पेक्टिव में होता ना, तो सबसे पहला जो आता ना, सबसे मोस्ट रिलेवेंट वो होता सनलाइट, देन वाटर. टेम्परेचर से भी ज्यादा वहां पर सनलाइट और वाटर अफेक्ट करता है सिर्फ प्लांट होता है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट बायोस्फीयर की बात हो रही है. फाइन, तो यहाँ पे नेक्स्ट है लाइट. लाइट, सन इज द अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइट. कोई और अल्टरनेट की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. अब लाइट जो होती है वो आपको पता होना चाहिए कि जितनी सन से हमें लाइट मिल रही है उसका सिर्फ लेस देन 1%, मतलब 1% भी नहीं, लेस देन 1% ही है जो कंप्लीट बायोस्फीयर यूज कर रहा है. लेस देन 1%. ठीक है, अब आप ना सनलाइट से मिलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जानते हो क्या होता है? रेंज जानते हो? रेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज. विजिबल कहाँ होता है? विजिबल से पहले अल्ट्रावायलेट होता है, अल्ट्रावायलेट से पहले एक्सरे होता है, गामा रे होता है, और विजिबल के बाद होता है इंफ्रारेड. जानते हो? मैं बता देती हूँ थोड़ा सा. यह अगर मैंने विजिबल बताया तो विजिबल के बाद होता है इंफ्रारेड, और ये होता है फार इंफ्रारेड. फिर उसके आगे बाद रेडियो वेव्स होती है. ठीक है, इधर की बात करें तो यहाँ होती है अल्ट्रावायलेट, इधर होती है एक्सरे, और फिर गामा रे, ये सब होती है, कोई बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हमें यहाँ पे काम सिर्फ विजिबल का होता है. विजिबल का होता है विद्योग, विद्योग का ही होता है. हाँ, तो ये टोटली विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, इसलिए होता है यहाँ पे काम. हाँ, अगर अपन ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे हमको इंफ्रारेड भी एड कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए. फाइन, तो हाँ, तो जो जो विजिबल है इस बेसिस पे यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इसमें तीन तरह का क्लासिफिकेशन दे देते हैं, तीन तरह में. फर्स्ट हो जाता है विजिबल. ठीक है, विजिबल, और विजिबल की रेंज होती है बेटा, स्पेसिफिक रेंज होती है विजिबल की, जो होती है 390 से 760. और ये क्या है? इसकी नैनोमीटर यूनिट, नैनोमीटर होती है इसकी. हाँ, और उसके बाद जो यहाँ पे इसके ऊपर विजिबल के ऊपर, मतलब विजिबल से पहले पहले की बात हो रही है, तो एक आपको पता होना चाहिए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इधर से इधर की तरफ जाने पर लैम्डा बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ती है ना, और एनर्जी बढ़ती है क्योंकि एनर्जी घटती है क्योंकि ई इज इक्वल टू एच सी एल और लैम्डा होता है. लैम्डा बढ़ रहा है तो एनर्जी कम होगी, पता है ना आपको. चलो, तो यहाँ विजिबल से पहले वाले की बात हो रही है, तो इस विजिबल से पहले वाले की वेवलेंथ कम है कि ज्यादा है? कम है. तो यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ कितनी है? शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन, और इधर लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन. ठीक है, समझ में आई बात? चलो, अब ये जो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन होती है ना, ये होती है यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी. ठीक है, और आपको आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूवी अपन विजिबल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यूवी ए बी एंड सी ऐसे होगा ना, कि ऐसे होगा. ठीक है, ए बी सी मतलब लैम्डा कम होता जा रहा है सी का. ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बताओ, जिसका सी सी जो है इसका लैम्डा कम होता जा रहा है, तो फिर इसका एनर्जी बढ़ती जाएगी. तो सबसे ज्यादा जो ओजोन लेयर से अपन को हार्मफुल होती है ना, जो ओजोन लेयर को पार कर जाती है, तो उनमें से ए बी सी में सबसे ज्यादा हार्मफुल अपने लिए यूवी सी होती है, जिसकी को उसी इसी हार्मफुलनेस को बचाने के लिए ओजोन हमें प्रोटेक्ट करता है. ठीक है ना, यही है जो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कैंसर. हाँ, तो जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है इसको यूवी यूवी ए बी एंड
से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे. फाइन, लार्ज को जो विजिबल के जस्ट बाद है इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड. अब हम आपने 11th क्लास की प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की एक रेंज होती है, मतलब सनलाइट से मिलने वाली रेडिएशन का रेंज जिसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है. And I'm giving hint to you that persist in visible range. 400 से 700 PAR photosynthetically active radiation. तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 400 से 700 नैनोमीटर, मतलब इस रेंज में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने वाला है. अब एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे जैसे यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मतलब लैम्डा का क्राइटेरिया बढ़ता जाता है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पेनिट्रेशन कम होता जाता है. किसका पेनिट्रेशन? सनलाइट का पेनिट्रेशन. अब किसमें पेनिट्रेशन? पानी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जैसे लैंड में पेनिट्रेट होना, आपको पता है मिट्टी के अंदर भी पानी पेनिट्रेट होता है सनलाइट. तो बस यही वाला मेथड है जो आगे काम आएगा अपने. मैं इधर बना देती हूँ, जैसे अपन ने थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक किया था ना, वैसे ही यहाँ पे अब हेडिंग जाएगी अपनी लाइट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ए लेक. ज़्यादा होगी तो सबसे कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. लाइट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक. अब एक चीज याद रखना, हमेशा कभी ना 12th बोर्ड में होता है कि लाइट स्ट्रेटिफिकेशन और थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं. तो कभी बनाने को आपको दे दे एग्जाम में लाइट स्ट्रेटिफिकेशन, तो एपिलिमनी और थर्मल हाइपोलिमनी मत बना के आ जाना, इसकी टर्म्स अलग होती है, ठीक है ना. इसकी टर्म्स मैं दिखाती हूँ अभी. जैसे ये अपनी लेक है, लाइट है, इसको ऐसे दिखा देंगे क्योंकि आपको पता है कि लाइट पेनिट्रेशन पे डिपेंड करती है. जितनी ऊपर लाइट है उससे तो बहुत कम नीचे आएगी और सबसे कम तो नीचे जाएगी. तो यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ठीक है. तो लाइट जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है लाइट का, उसको बोलेंगे अपन लिटोरल जोन. लिटोरल. अब मैं क्या बताती हूँ, ये सारा पानी है और जो मैंने ये जो स्लोप बनाया है ना, ये मिट्टी है. मिट्टी भी होती है लेक में, ये मिट्टी है और ये है. मिट्टी से हमें क्या, हमें एंगल पता चल जाएगा कि इतनी मिट्टी यहाँ है, इतनी मिट्टी यहाँ है, तो रिमेनिंग सारा वाटर है, ठीक है. तो ये हो गया लिटोरल जोन. लिटोरल जोन कौन सा होता है? जो ऊपर वाला होता है और जो यहाँ तक होता है वो लिटोरल जोन होता है. इसके बाद जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक, वो होगा लिग्नेटिक जोन. लिटोरल जोन एंड लिग्नेटिक जोन. ठीक है, और लास्ट में जो होगा वो होगा डिस्पोटिक जोन. यार आपके एनसीईआरटी कुछ भी देती नहीं हो, कोई पेपर में पूछती सारी यही सब है, बड़ी गंदी है. डिस्पोटिक जोन, डिस्पोटिक भी बोल सकते हैं या फिर
दिस फोटिंग से समझ में आ रहा है, फोटिंग मतलब लाइट, दिस फोटिंग मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट, दिस फोटिंग जोन या फिर बेल्टिक जोन. फाइन, चलो अब होता यह है कि ये लिटोरल जोन है, इसको कभी कभार यू फोर्टिंग जोन भी बोलते हैं. यू फोर्टिंग जोन, यू फोर्टिंग जोन और लिबरेटिंग को प्रोफंडल जोन. अब इनके दो दो नाम याद हो गए, दो दो नाम आ गए थे चारों तीनों के, याद रखना है आपको. लिटोरल, लिबरेटिक, फिर डिस्फोर्टिक, फिर उसके बाद में यू फोर्टिंग, प्रोफंडल और बेंथिक. अब आपको पता होना चाहिए कि जो लिटोरल जोन है, लिटोरल जोन में सबसे ज्यादा सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, यहाँ पे रूटेड प्लांट्स होंगे, जिसकी रूट्स हो सकती है वैसे होंगे, तो उससे कम पेनी, और यहाँ पे पेनिट्रेशन भी सबसे ज्यादा हो रहा लाइट का, फिर उससे कम पेनिट्रेशन होगा लिमनेटिक में. लिमनेटिक में वो ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे जो फ्लोट कर सकते हैं, फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स. लेकिन डिस्फोटिक वो जोन है जहाँ पे 0% लाइट है. तो 0% लाइट में मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया था कि यहाँ पे सिर्फ लाइकेन्स या फिर एल्गीज रह सकती है जो विदाउट लाइट भी अपने आपको सर्वाइव कर सके, ठीक है. तो ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये विदाउट लाइट में तो वो ही रहेंगे ना जो दूसरों को खा लेंगे, यानी कार्निवोर्स यानी डीकम्पोजर्स. कार्निवोरस और डीकम्पोजर्स, फाइन, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी. आ गई समझ में? चलो क्या बोलते हैं? पीडोजेनेसिस. क्या बोला आपने?
जेनेसिस नहीं होता है क्या? मतलब हर चीज के पीछे जेनेसिस लगाने से नहीं होता है? एरोजन नहीं, एरोजन तो होता है सॉइल का कटना, एरोजन तो होता है सॉइल का कटना, लेकिन ये जो इसीलिए तो पीडोजेनेसिस इज नॉट रेलेवेंट टू सॉइल टर्मिनोलॉजी, लेकिन ये चीज अपन हैबिचुअल नहीं है ना बोलने की, इसलिए एग्जाम में पूछ ली जाती है। सॉइल बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज पीडोजेनेसिस। ठीक है, अब बता रहा सॉइल को अफेक्ट कौन कौन से करेंगे? सॉइल को जो जो सॉइल की प्रॉपर्टी होती है वो उसको हर चीज, सबसे पहले क्लाइमेट अफेक्ट करेगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, तो सबसे पहले वहाँ का क्लाइमेट। फिर दूसरा होता है वहाँ का वेदरिंग, रॉक में वेदरिंग कितनी हो रही है, अगर वेदरिंग हो रही है इसका मतलब नई सॉइल भी बन रही है साथ में, पुराने के साथ मिक्सअप हो रहे हैं सारे न्यूट्रिएंट्स। और तीसरा जो होता है वो होता है कंपोजिशन, सॉइल का कंपोजिशन। तो सॉइल को अफेक्ट कर, सॉइल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करने वाले तीनों फैक्टर बता दिए मैंने। पहला कौन सा बताया? एंड थर्ड वन इज कंपोजिशन। दीज आर सॉइल डिपेंडिंग प्रॉपर्टीज, मतलब इस पे प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी तीनों पर। ठीक है, अब क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। वेदरिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, वेदरिंग का मतलब सिर्फ इतना समझो कि चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स है, उससे सॉइल का फटना, टूटना और फिर सॉइल का फटना। ठीक है, और उसके बाद क्या? उसके बाद है कंपोजिशन। तो सॉइल का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल कंपोजिशन में सबसे ज्यादा होता है मिनरल्स। मिनरल्स आपको पता है ना, पेड़ पौधे इतने बड़े बड़े उग जाते हैं सिर्फ पानी के सपोर्ट से थोड़ी है, उनको मिनरल्स मिल रहा है कहाँ से? फ्रॉम सॉइल। तो कहना है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स के बाद क्या होना चाहिए? मिनरल्स के बाद आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन ये सब। और तीसरा है एयर, सॉइल में एयर भी होती है। और चौथा है वाटर। अब आपको याद रखना है एयर और वाटर का कंपोजिशन हमेशा सेम होता है, 25-25% होता है। 50% तो यही है क्या? और 50% में मिनरल्स और ऑर्गेनिक को डालना है। तो मिनरल्स और ऑर्गेनिक में 50% को डालने के लिए यहाँ पे होगा 40% और 10%। अब मिनरल्स सबसे ज्यादा होते हैं तो 40% मिनरल्स होंगे और ऑर्गेनिक जो होगा वो 10% होगा। बहुत अच्छी बात। अब ये अपनी बात होगी ये सॉइल कंपोजिशन की। ठीक है, अब सॉइल कंपोजिशन जो होगा वो बेसिकली इन चार के अलावा ग्रेन साइज का मतलब एक मिट्टी का पार्टिकल का साइज जो है उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बेसिस पे सॉइल जो होती है वो चार तरीके की होती है। पहला आता है अपना ग्रेवल, दूसरा है अपना सैंड, तीसरा आता है अपना सिल्ट और चौथा आता है क्ले। ग्रेवल बड़े बड़े कंकर पत्थर, फिर उससे छोटा सैंड होता है, फिर सिल्ट होता है और सबसे जो चिकनी मिट्टी होती है जिससे घड़े बनते हैं वो होता है क्ले। ठीक है, ये होता है। तो ये साइज कंपोजिशन मान के चले तो ये कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अब जो पूछा जाता है उसकी बात कर लेते हैं। पूछा ये जाता है कि एग्रीकल्चर के पर्पस से सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मिट्टी कौन सी होती है इन चारों में से?
ये तीन है सैंडी, क्ले और लोम, एल ओ ए एम। होता ये है कि सैंड है, सैंड मतलब ग्रेवल से जस्ट छोटा सैंड, तो बहुत सारा एरेशन होगा, एयर बहुत ज्यादा होगी उसमें, एरेशन ज्यादा है, तो एरेशन तो है ठीक है। एरेशन सबसे ज्यादा होता है, क्ले सबसे चिकनी वाली होती है, एरेशन बिल्कुल नहीं होता है, वो पतली होती है, बहुत पतली होती है, महीन होती है, तो कहाँ एरेशन होगा उसमें, तो एरेशन नहीं होगा। लोम, लोम में क्या होता है, लोम में भी होती है एरेशन, ठीक है। लेकिन एक दूसरा जो कंपोनेंट सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, किसी पार्टिकल में पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी ना वो ही होगा एग्रीकल्चर पर्पस सबसे ज्यादा यूजफुल, ठीक है। तो सैंडी का पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जीरो के बराबर होती है, क्यों, क्योंकि एरेशन की वजह से वहां पे पानी होल्ड ही नहीं कर पाता है, ठीक है। क्ले की होती है और इवन क्ले की सबसे ज्यादा होती है, और लोम जो है लोम मिट्टी उसकी भी होती है। अब जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो चाहिए जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा हो और एरेशन भी ज्यादा हो, तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोम मिट्टी जो होती है, लोम सॉइल जो होती है, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये बहुत बड़ा स्टार मार्क कर लेना है इतने इतने चीज को, कई बार सिर्फ इतना सा पूछ लिया जाता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन सी मिट्टी की ज्यादा होती है, तो वो किसकी होगी, क्ले की। सिर्फ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात कर रही हूँ मैं, और उसी तरीके से कई बार पूछ लिया जाता है कि एरेशन किसका सबसे ज्यादा होता है, सैंडी की, ठीक है। और एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल है लोम, क्योंकि इसमें दोनों चीजें होती है। समझ में आ रही है इकोलॉजी, चलो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आ रही है, चलो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, मैं कल वाले लेक्चर में सारे बायोटिक फैक्टर्स को समझेंगे। ओके बाय।